हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऐसे क्लासेस में। आज हम जानेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर की सारी संक्रियाएं, सारी आपको जानकारी इस टॉपिक में मिलने वाली, इस वीडियो में मिलने वाली है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू का मतलब जानते हो? जैसे पी अपॉन क्यू मतलब 2/3, 1/2, -1/2। तो आप देखेंगे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, ए रैशनल नंबर इज ए फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीन्स क्या है? यहां पर एक वर्ड आ रहा है इंटीजर, आगे की वीडियो में आपको इंटीजर के बारे में बताएंगे। तो रैशनल नंबर भी ऐसा नंबर होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू मतलब जैसे कि 1/2, 2/3, ये सब पी अपॉन क्यू के एग्जाम्पल हैं। जीरो को भी हम रैशनल नंबर मान सकते हैं क्योंकि जीरो के नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूं। रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 2/3, तो 2/3 को मैं प्लस का भी लिख सकता हूँ और माइनस का भी लिख सकता हूँ। इसलिए आपको जान जाएंगे कि रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर जैसे कि 2/3, 1/2, 3/4 सब रैशनल नंबर होते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव रैशनल नंबर जैसे -2/3, -4/6 ये सब रैशनल नंबर होते हैं। आगे आप देखेंगे कि रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, दोनों तरह के रैशनल नंबर मैंने बोर्ड पे आके लिख दिए गए हैं। जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि जीरो को मैं 1 0 0 को हम 1/1 के नीचे, जीरो के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए जीरो को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। यहां आपको पता होगा कि जीरो न तो जीरो नेगेटिव होता है न ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है कि जीरो के आगे न तो हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं न ही माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। जीरो के आगे कभी माइनस नहीं आता। अगर आप चाहो तो इसको नॉट के रूप में भी लिख सकते हो। जीरो इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। जीरो न तो प्लस की संख्या है और न ही माइनस की संख्या है, लेकिन जीरो को रैशनल नंबर इसलिए कह सकते हैं कि जीरो के नीचे में 1 लगा सकता हूं, इसलिए जीरो को रैशनल नंबर कहा जाता है। आगे की मिनट आगे हम जानेंगे कि रैशनल नंबर के ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें ये जानेंगे कि रैशनल नंबर को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज दे रखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कुछ प्रॉपर्टियां जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सब में इसमें बताने वाले हैं आपको कि नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सबका अपना अपना एक मीन है कि जैसे कि आप जानते हो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि दो रैशनल नंबर को क्लोज करते हैं जिससे एक नया रैशनल नंबर बन जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि आप देखोगे कि दो रैशनल नंबर, एक तो ए रैशनल नंबर है और एक बी रैशनल नंबर है। अगर मैं ए और बी को ऐड करता हूं या माइनस करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं तो इससे एक नया नंबर बनता है सी। यहां पर सी भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। क
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स ये होता है कि यदि दो रेशनल नंबर को ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद दोनों का आंसर हमारा क्या आता है? सेम आता है। जैसे अगर कोई दो रेशनल नंबर है a प्लस b, अगर ऑर्डर चेंज करने से पहले इसको लिखेंगे हम a प्लस b में और ऑर्डर चेंज करने के बाद लिखेंगे इसको b प्लस a में, दोनों का आंसर हमारा क्या आएगा? c। यहां पर c भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, यहां पर तीन रेशनल नंबर होते हैं तो तीन रेशनल नंबर को हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं इसमें। यहां ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद दोनों में रेशनल आंसर सेम आता है, इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी तीन रेशनल नंबर ही होते हैं, इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से बन जाता है a मल्टीप्लाई b प्लस c, a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस a मल्टीप्लाई c। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर आपकी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती है। अब आप देखो क्या प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ये सब हम प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं। रेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टीज होती है क्या, किस नंबर से हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इससे नहीं कर सकते इसको। कभी कभी ऐसा होता है कोई नंबर ऐसा आ जाता है जिसको हम रेशनल नंबर ही नहीं बोल सकते। जैसे बताओ ऐसा रेशनल नंबर कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया था कि जी अगर कोई नंबर नीचे अगर किसी नंबर के जीरो होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको इन सब का नाम नहीं बता देता हूं, फिर उसके बाद में इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हो गया आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद आपकी हो जाएगी यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया चार प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी इसकी, नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर थ्री एसोसिएटिव और नंबर फोर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली वाली हम प्रॉपर्टी लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब हम किसी दो रेशनल नंबर को एक साथ ऐड कर दे या माइनस कर दे या मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो उससे हमें जो नया नंबर मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। आप बताओ कैसे करेंगे इसको। जैसे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम करेंगे एडिशन, तो आप लिख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। जैसे मैं बोल दूं कि a अपॉन b एक रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन b, अगर इन दोनों रेशनल नंबरों को हम ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो यहां लिखते हैं कि यहां रेशनल नंबर ही होगा। तो इसको एग्जांपल की दुआ में समझ सकते हो कि जैसे मैंने बोल दिया 1 अपॉन 2 और आगे मैंने बोल दिया 2 अपॉन 3, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 2 और 3 का एडिशन कितना आएगा, 6 आएगा। अब मैं 2 का डिवाइड दूंगा 6 में, कितनी बार गया 3 टाइम, 3 * 1 करेंगे कितना हो गया 3, और यहाँ पर 3 का डिवाइड देंगे 6 में कितनी टाइम गया 2 टाइम, 2 * आप 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना हो गया 4, तो आपके पास ये नया नंबर आ गया 7/6। और 7/6 क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी का और नेक्स्ट हम देख सकते हैं सबट्रैक्शन के लिए, तो यहां लिख देंगे आप क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन। जैसे आप दो रेशनल नंबर ले लो, एक तो ले लो a अपॉन b, दूसरा ले लो आप c अपॉन b, तो आपके पास एक नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। कैसे होगा, एग्जांपल के द्वारा देख लो। जैसे मैं आपको लिख देता हूं 2 अपॉन 3, एक लिखता हूं मैं आपको
वन अपॉन टू, या आप दूसरा एग्जाम्पल ले दो थ्री अपॉन फोर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर टू टू अपॉन थ्री, वैसे है अगर मैं थ्री अपॉन फोर माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखो ये दो रेशनल नंबर आगे फ्रैक्शन में है, तो इनको हम पहले एलसीएम लेके ही कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते, विदाउट एलसीएम ये पॉसिबल नहीं है। तो थ्री और फोर का एलसीएम कितना हो गया 12, थ्री का डिवाइड देंगे 12 में कितनी बार टाइम दिया 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो गया 8, 4 का डिवाइड देंगे 12 में कितनी बार गया 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9। अब 8 में से अगर 9 माइनस कर देते हैं तो यहां पर बन जाएगा माइनस का 1/12। ये माइनस का क्यों आया है, क्योंकि यहां पर लास्ट नंबर किसमें है माइनस में, इसलिए आपका आंसर भी माइनस में आएगा, और माइनस का 1/12 भी क्या है एक रेशनल नंबर ही है। कैसे रेशनल नंबर बता चुका हूं आपको डिडक्शन में कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के आगे तो प्लस का चिन्ह आता है और नेगेटिव वाले में माइनस का चिन्ह आता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। नंबर थर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मल्टीप्लाई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, जैसे दो रेशनल नंबर आपके पास, पहला रेशनल नंबर है a अपॉन b, दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन d, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा एक रेशनल नंबर ही होगा। नंबर फोर करें इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, फोर मतलब डिवाइड डिविजन के लिए करेंगे तो लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन, जैसे a अपॉन b, और आपने और इसका एग्जाम्पल देखना भूल गए, एग्जाम्पल में लिख दो इसके, जैसे दो रेशनल नंबर एक तो है आपके पास 2 अपॉन 3, एक आपके पास 4 अपॉन 5, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, आगे एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर और 2 और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 3 और 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इनका आंसर जो आएगा 8/15, ये भी क्या होगा एक रेशनल नंबर, क्या होगा एक ये भी रेशनल नंबर ही होगा। तो नंबर फोर है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन में वही हमारे पास दो रेशनल नंबर a अपॉन b और c अपॉन d है, दोनों के बीच में डिविजन का चिन्ह आ जाएगा, डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, और इनसे जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल में देख लो आप इसका कि 2 अपॉन 3 में डिवाइड होगा मैं यहां पर 3 अपॉन 5 का, तो डिवाइड कैसे देंगे देखो ध्यान से, यहां पर 2 अपॉन 3 है, आप डिवाइड नहीं देना कि आप डिवाइड की जगह बड़ा सारा डिवाइड नहीं देना आपको, आपको क्या करना है यहां पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह करना है, और जो आगे वाला नंबर जो आ रहा है जैसे आप डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दोगे तो आगे वाले नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो नंबर आपका 3 अपॉन 5 है तो वो बन जाएगा 5/3। अब यहां पर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा 10/9, और 10/9 भी क्या है एक रेशनल नंबर ही है। नंबर सेकंड वाली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछेंगे सर होती क्या है ये बताइए मैंने, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो उनका ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद का जो आंसर आता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, समान होता है। कैसे होता है देखिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल दो चीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एक तो कम होता है एडिशन के लिए, तो यहां लिख सकते हैं नंबर वन है एडिशन के लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन के जो फॉर्मूला है वो ये है कि a अपॉन b और c अपॉन d, दो रेशनल नंबर है आपके पास, एक तो है a अपॉन d और एक है c अपॉन d, तो a अपॉन d और c अपॉन d दोनों को आप क्या करोगे पहले ऐड कर दोगे, तो ये तो हुआ ऐड ऑर्डर चेंज करने से पहले, बिफोर ऑर्डर चेंज, तो ये है ऑर्डर चेंज करने के बाद,
बॉर्डर का मतलब क्या है कि जैसे किसी नंबर कोई नंबर अगर आगे a अपॉन b और c अपॉन d है, अब मैं क्या करता हूँ c अपॉन b को तो आगे ले जाता हूँ और a अपॉन d को पीछे ले जाता हूँ, जब भी इनका जो आंसर हमें मिलेगा वो सकता है आंसर हमें e अपॉन f के रूप में मिले, तो दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। आप एग्जाम्पल के द्वारा इसको बेहतर समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास दो एक ऐसा नंबर तो है 2/3 और दूसरा ऐसा नंबर है 4/5 और इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो आ जाएगा 4/5 + 2/3। तो आपके पास दोनों का आंसर क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। देखिए आप दोनों तरफ आप एलसीएम ले लोगे, यहां पर 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 3 का डिवाइड 15 में देंगे 5 टाइम जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे 2 से, यहां 10 बन जाएगा। इस तरफ 5 का डिवाइड देंगे 15 में कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे क्या बन जाएगा यहां पर 12 बन जाएगा। जो इसके लिए किया है वो इधर भी करिए, आप 5 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, पहले हमने 3 और 5 का लिया था अब 5 और 3 का लेंगे, दोनों का क्या आएगा एलसीएम सेम आएगा इक्वल आएगा। यहां पर 5 का डिवाइड देंगे अपन 15 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे वही 12, 3 का डिवाइड है 15 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो गया 10। तो दोनों तरफ का आंसर देख लो आप, यहां का आंसर आ जाएगा 22/15 और यहां का आंसर आ जाएगा 22/15। तो कमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है कि ऑर्डर चेंज करने से पहले दो रेशनल नंबर को ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद का जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। यहां दोनों तरफ क्या है रेशनल नंबर ही आए हैं। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है a अपॉन b, दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन d, तो हम इन दोनों को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई इस प्रकार से ले सकते हैं, तो हमने लिख दिया a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d या c अपॉन d मल्टीप्लाई a अपॉन b, तो इन दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा एक रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल के तौर पर भी वो समझ सकते हैं कि 2/3 मल्टीप्लाई 6/7 हम करते हैं या 6/7 को आगे लेने के बाद और 2/3 को पीछे लेने के बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इक्वल आएगा एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप देख लो यहां पर, तो मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे इसको 2/6/3/7, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास 12/21, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर ही है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपने सोच रखा होगा कि सबने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिखी, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ऑर्डर हमारा अप्लाई नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल दो चीज के लिए अप्लाई होती है, एक तो एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लाई के लिए। अब आप जानेंगे कि अप्लाई का मींस क्या होता है, तो यहाँ अप्लाई का मींस ये है कि ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद का जो आंसर हमारा आता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो इक्वल नहीं आता है, इसलिए उनको हम नहीं लगाते हैं, उनको इसमें कम्यूटेटिव में प्रॉपर्टी में उसको नहीं लेते हैं। तो इसको मैं नॉट के रूप में भी ले सकता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट अप्लाई फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट अप्लाई फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, देखिए आप एसोसिएटिव में हमारे पास 3 रेशनल नंबर होते हैं और उन 3 रेशनल नंबर को हमको क्या करना है, देखिए आप जैसे कि आपके पास 3 रेशनल नंबर है a अपॉन b c अपॉन d और e अपॉन f,
तो किस प्रकार से एसओजी प्रॉपर्टी लगती है, अप्लाई होती है, तो ये प्रॉपर्टी भी दो के लिए अप्लाई होती है। एक तो होती है एडिशन के लिए, एक होती है मल्टीप्लाई के लिए। सबट्रैक्शन और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो हमको अगर इसमें एडिशन के लिए लिखना है, लिख देंगे फोर एडिशन को किस प्रकार से लिख सकते हो आप, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को, या ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। इस प्रकार से आप इसको एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, पहले एक रेशनल नंबर को छोड़ दिया और बाकी दो रेशनल नंबर को मैंने एड कर दिया। आगे वाले काम मैंने क्या किया, इसके इक्वल में दो रेशनल नंबर को पहले एड कर दिया और तीसरे रेशनल नंबर को मैंने बाद में एड कर दिया। तो एड करती इस कंडीशन में हमारे पास एलएचएस का और आरएचएस का दोनों का आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। इसको एग्जांपल के रूप में भी आप समझ सकते हो, 2/3 प्लस 1/2 एंड 3/4 हमारे पास तीन रेशनल नंबर है ये। तो मैंने आगे वाले को तो छोड़ दिया और बाकी दो को ब्रैकेट में ले लिया। और इसके बाद मैंने क्या किया है, अब आरएचएस में मैंने आगे दो को एड कर दिया और पीछे वाले को छोड़ दिया। तो आप देखिए इसका आंसर किस प्रकार से कर सकते हैं, 2/3 प्लस ब्रैकेट में हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का डिवाइड में 4 में दूंगा तो 2 का डिवाइड दूंगा 4 में तो 2 टाइम्स आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आएगा, 4 का डिवाइड दूंगा 4 में 1 टाइम जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली इस प्रकार से इसमें भी करेंगे कि 3 और 2 का एलसीएम देंगे हम, 6 आएगा, 3 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से 2 का डिवाइड देंगे 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आएगा, 3। अब आप इसको ले सकते हो, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5/4, और इसको ले सकते हो 7/6 प्लस 3/4। अब हमारे पास केवल दो एलसीएम बनते हैं, दोनों को हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 3 का डिवाइड देंगे 12 में कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा, 8, 4 का डिवाइड देंगे हम 12 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 15। इधर भी इस प्रकार से भी हम आरएचएस में भी 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 6 का डिवाइड देंगे 12 में कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना आ गया, 14, और यहां पर 4 का डिवाइड देंगे 12 में कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9। अब आप इसको ऐड करिए कितना होता है, दोनों तरफ 15 और 8 कितने होते हैं, 23, तो इधर आ गया 23/12, और उधर होता है 14+9 कितना होता है, 23, तो इधर भी आ गया 23/12। तो दोनों तरफ का आंसर हमारा क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये बोलते हैं कि फोर एडिशन के लिए हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या कर सकते हैं, फोर मल्टीप्लिकेशन, पहले की तरह हमारे पास तीन रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कैसे लिख सकते हो इनको, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। इसके इक्वल भी क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, और इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ई अपॉन एफ को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरफ हमारे पास एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो एग्जांपल के एग्जांपल से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने तीन रेशनल नंबर ले लिए, 2/3, 3/4 एंड 5/6, और इसको इधर भी लिख दिया मैंने 2/3, 3/4 एंड 5/6। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको देख लिया आप,
पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आपको पता है ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 × 5 × 4 × 6। यहाँ भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई इस प्रकार से आप लिख सकते हो। थ्री और फाइव कितना होता है 15, ब्रैकेट आ देंगे आपका 15/24 एंड 2 × 3 करेंगे कितना गया यहाँ पर 6 × 12 × 5/6। यहां पर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 6 से कटेगा, यहां पर 3 15 कितने फाइव टाइम कटेगा और यहां पर 2 × 2 और 2 से टेबल से कट जाएगा 24 12 टाइम। तो हमारा इस तरफ आईएचएस में आ जाएगा 1/12 और एलएचएस में आ जाएगा 1/12 और आईएचएस में आ जाएगा 5/12 और आरएचएस में भी आ जाएगा आपका 5/12। तो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए हो गई है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मैं आपको बता चुका हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, सबट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती है। नंबर 4 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप आज जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a/b × c/d प्लस माइनस भी ले सकते हैं, इसको प्लस माइनस दोनों आ जाएगा यहां पर e/f। इसको हम खोल सकते हैं a/b × c/d प्लस माइनस e/f। a/b × e/f, यहां a/b को हमको c/d और e/d दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो कि जैसे 2/3 3/4 प्लस माइनस 5/6। इधर ये बन जाएगा 2/3 × 3/4 प्लस माइनस 2/3 × 5/6। तो मैंने यहां पर जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो 2/3 आ रहा था उसको मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और बीच में हमारे पास जो साइन आ रहा है वो दोनों साइन आ रहे हैं प्लस के और माइनस के। तो प्लस और माइनस के दोनों के साइन आप इसमें लगा सकते हैं और तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी। इसको आप सॉल्व एग्जांपल के रूप में आप सॉल्व कर सकते हो इसको 2/3 × अगर प्लस का साइन लेना है तो प्लस का ले लो, माइनस लेना है तो माइनस का ले लो, दोनों का आंसर हमारा दोनों तरफ हमारा आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। तो 3/4 मैं प्लस का लेता हूं, प्लस में 3/4 प्लस 5/6 और यहां पर आ जाएगा, इसको काट सकते हो आप 2 × 2 × 4 3 × 3 × 3 तो यहां आ गया आपका 1/2। मैंने प्लस का साइन लिया है, वापस यहां पर काट देंगे इसको 3 टाइम, ये बन जाएगा 5/1। ऊपर केवल 5 बचा है तो 5 आ जाएगा, नीचे क्या बचा है 3 और 3 कितना हो गया 9। फोर और सिक्स का हम एलसीएम लेंगे कितना आ गया 12 एलसीएम आएगा और 4 का डिवाइड देंगे हम 12 में कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 × 3 करेंगे कितना हो गया 9 हो गया। यहां पर 6 का डिवाइड देंगे 12 में कितना टाइम जाएगा 2 × 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया। इधर आपके पास बचा है 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, 2 का डिवाइड देंगे 18 में कितना टाइम गया 9 टाइम, 9 × 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 का डिवाइड देंगे 18 में कितने टाइम जाएगा 2 × 2 × 10 कितना हो गया 10। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा 2/3 × 19/12 और इधर हमारे आंसर जाएगा आरएचएस में 19/18। अब आप सोचोगे ये तो इसका इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप सब काटो, काटने के बाद क्या होगा देखो 2 की टेबल से कटेंगे 2 × 2 और 2 × 6 = 12, तो ऊपर बचेगा 19 को 1 मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 19 और 3 × 6 कितना गया 18 और इधर हमारे पास क्या है 19/18।
18। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। तो दोनों का आंसर क्या है, इक्वल आया है, ये दोनों आंसर क्या है, एक रेशनल नंबर ही बनाते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर ही होगा। इस प्रकार से हमारे पास पूरी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व हो चुकी है। इसमें एक नोट्स भी है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां 98 मल्टीप्लाई 1008 और आपको क्वेश्चन दे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ऊपर सॉल्व आ जाएगा कि यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज कैसे करना है, देखो इसके नाम से पता लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांट देना, यानी यहां पर दो नंबर आपको दिए गए हैं, उन दोनों नंबरों में से एक नंबर को आपको बांट देना है। तो कैसे बांट देना है देखो, आप ये आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो, जैसे मेरे पास 1008 है तो 1008 को मैं राइट कर सकता हूं 1000+8, तो इस नंबर में भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। जैसे इसको अगर आप a मान लो तो a मल्टीप्लाई बी प्लस सी यहां बन चुका है, जिसको आप a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी के रूप में भी आप लिख सकते हो, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बनाती है। तो आप देखें इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके पहले वाला आंसर LHS का आंसर क्या आएगा, हमारे पास LHS का आंसर आ जाएगा 98 को आप 1008 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1008 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 98 को, जीरो से जीरो हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यह क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को कितना जाएगा 74 का 2 7 कैरी, या 7 आ जाएगा या 0 और या 9, आप इसको एड कर सकते हो 4 8 7 8 and 9। ये तो हमारा था LHS। अब हमारा RHS क्या है वो देखो, RHS में मैंने इसको दो नंबरों में डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक तो हो गया 1000, एक हो गया 8। जब मैं 98 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 98000 प्लस, अब 98 को मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे 8 से, यहां बन जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को कितना हो गया 64 का 6 कैरी और 9 8 9 कितना होता है 72 और 6 कितना हो गया 78। इसको आप ऐड कर दो तो आप ये देख रहे हो कि LHS का आंसर और RHS का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें हमें डेसिमल नंबर को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने का मतलब यह है कि जो क्लास है छोटी क्लास में जो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो इस तरह से था और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह से लॉ चलेगा इसका। तो यहां पर दो तरह से हो जाएंगे, जब छोटी क्लासों की बात आती है तो आप किसी नंबर को इस प्रकार से तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हो, और जब बड़ी क्लासों की बात आती है तो आप इस प्रकार से इसका फॉर्मूला ले सकते हो। डेसिमल नंबर की प्रॉपर्टीज के बाद आगे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानेंगे एडिटिव, इनवर्स एंड आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखिए, जैसे कि वो रेशनल नंबर है a अपॉन b, तो a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस a अपॉन b। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है। तो a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का a अपॉन b, और यदि हमारे पास माइनस के p अपॉन q के रूप में कोई रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा p अपॉन q। एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो, 7/8 कोई रेशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 7/8। यदि किसी रेशनल नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस कर दिया जाता है, एड कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। अब हम जानेंगे कि आइडेंटिटी क्या है एडिटिव इनवर्स की। तो आइडेंटिटी यह है कि यदि किसी रेशनल नंबर में
जीरो को प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास वही सेम रेशनल नंबर आता है। तो यहां पर जो जीरो होगा वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इसी तरह से, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या है कि यदि मेरे पास वो रेशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में है तो उस रेशनल नंबर को मैं राइट कर सकता हूं मल्टीपल इनवर्स में बी अपॉन ए के फॉर्म में, और यदि कोई माइनस का पी अपॉन क्यू के रूप में कोई रेशनल नंबर है तो उसको मैं राइट कर सकता हूं क्यू अपॉन माइनस पी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं इसको 5 अपॉन 7, यदि माइनस का 5 अपॉन 7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7 अपॉन माइनस 5। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी रेशनल नंबर में यदि हमारे पास वो रेशनल नंबर a अपॉन b की फॉर्म में है तो उसको इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। यदि किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम रेशनल नंबर a अपॉन b के फॉर्म में ही आता है। एग्जाम्पल जैसे 7 अपॉन 8 को आप मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपके पास वापस 7 अपॉन 8 ही आएगा। अब तक हमने जो भी टॉपिक्स क्लियर करे हैं जैसे कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेशनल नंबर के बारे में हमें जाना, उसकी डेफिनेशन हमने जानी, उसकी पूरे ऑपरेशन कैसे करते हैं वो सब हमने जाने, और ये दो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी एग्जाम में मुख्य तौर पर देखे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन एक नंबर के जो भी आते हैं इनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं और ये पूछ लिए भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन सब के बारे में आपको देखना बहुत जरूरी है। और आगे आपकी जो एक्सरसाइज आएगी उस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे आएंगे और जरूर आते हैं एक्सरसाइज में भी, और एक्सरसाइज भी आप इसे क्लियर कर सकते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 चैप्टर रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी प्रॉपर्टी इन क्वेश्चनों में यूज हो रही है उसको हमको नाम बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 5। मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है। अभी हमने इससे पहले की वीडियो में आपने देखा हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें वापस वही रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है माइनस का 13 अपॉन 17 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस 13 अपॉन 17। यहां पर दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे यह एक a अपॉन b के रूप में है और यह है c अपॉन d के रूप में, तो यहां पर वापस c अपॉन d रेशनल नंबर आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है माइनस 13 अपॉन 17। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। और रेशनल नंबर में क्या होगा कि यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज में ली गई है उसका नाम है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां पर सीरीज को बदलने के बाद और सीरीज को बदलने से पहले दोनों में आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो इसमें हो जाएगा कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। लिख देंगे कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन माइनस 19 तो आपका आंसर आ रहा है 1। यानी किसी भी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा
वन आ जाएगा और ये हमारा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यदि किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते जाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वन आंसर आता है। तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रकार क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल बार प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसके अंदर देखो तीन रेशनल नंबर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, एक तो है 1/3, एक है मल्टीप्लाई में 6 को आप राइट कर सकते हो 6/1 और मल्टीप्लाई किया जा रहा है 4/3 से। यहां पर तीन रेशनल नंबर आ रहे हैं, इनमें से एक रेशनल नंबर को बाहर निकाल दिया गया है और दो रेशनल नंबर को ब्रैकेट में डाल दिया गया है। इसके बाद में यहां पर आगे के दो रेशनल नंबर को ब्रैकेट में डाल दिया गया है और थर्ड रेशनल नंबर का निकाल दिया बाहर निकाल दिया गया है। तो आप देखेंगे जब ऐसा सिस्टम आ जाए कि आपने देखा होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप राइट कर सकते हो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो यहां पर बन जाएगी जो प्रॉपर्टी यहां पर यूज में आएगी उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो यह हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहां पर तीन रेशनल नंबर आ रहे थे और तीन रेशनल नंबर को एड या मल्टीप्लाई करना केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मैंने आप बता चुका हूं शुरू में स्टार्ट में कि किसी भी दो रेशनल, यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। इस प्रकार से पूरी आपकी हो जाती है।